अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट आशा बाजवा और आपको दिखा रही हूं एक 10 मरला का ब्रांड न्यू घर जो कि तारिक गार्डन में है और फॉर सेल है। इस वक्त आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं। फ्रंट एलिवेशन में आपको दिख रहा है मोज़ेक वर्क, बहुत खूबसूरत मोज़ेक वर्क में आपको माशाल्लाह दिखेगा। एक मिनट जी, ये देखिए। और ये स्पेनिश स्टाइल की जितनी भी आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है उन्हीं में से एक कंस्ट्रक्शन ये भी है। आपको फ्रंट एलिवेशन में इसकी जो फर्स्ट फ्लोर में जो बेडरूम है उसका जो है बालकनी एरिया जो है वो दिख रहा है। इसमें यहाँ पे आपको मोज़ेक वर्क दिखेगा और ये इसका ग्रीन एरिया है। यहाँ पे भी लाइटनिंग जो है वो भी होगी। और अब हम इसके अंदर जाके देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई हुई है। ये इसका गैरेज एरिया है और गैरेज एरिया में आपको जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे सामने से आपको मोज़ेक वर्क दिखेगा, बहुत खूबसूरत। देखिए, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये इसका मेन डोर है और ये डोर जो आपको ओपन दिख रहा है ये ड्राइंग रूम है। और मेरे लेफ्ट साइड पे आपको एक वाइड एरिया दिखेगा, यहाँ पे आप अपनी छोटी सी गाड़ी या बाइक्स या कुछ भी आप बाइसाइकिल्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे टाइल वर्क हुआ हुआ है और इसके साथ प्लांटेशन भी हुई हुई है। और फ्लोर में आपको दिख रहा है 2x2 की टाइल से मैट फ्लोरिंग। गैरेज के जो सीलिंग है उस पर आपको चौक वर्क दिखेगा और ये एरिया जो है पैसेज एरिया है जो कि बैक यार्ड की तरफ जाता है। ये फ्रंट डोर है, फ्रंट एंट्रेंस है और वुडन डोर है फुल हाइटेड। अब हम अंदर जाके देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी हुई हुई है। जैसे मैं अंदर आई हूँ तो एक आपको बताती चलूँ कि एक छोटी सी आपको क्यूट सी लॉबी एरिया मिलेगा। और ये लॉबी एरिया की जो है वो सीलिंग है जिसपे एक छोटा सा क्यूट सा आपको शैंडलियर दिख रहा है। ये डोर जो है मेरे राइट साइड पे है, ये पैसेज एरिया की तरफ खुलता है। और ये स्टेयर्स हैं जिसपे आयरन का आपको वर्क मिलेगा। ये स्टेयर्स थ्रू आउट फर्स्ट फ्लोर टू टॉप फ्लोर तक जाती हैं। इस तरफ जो है आपको ओपन किचन है और मेरे बिल्कुल सामने आपको एक बेडरूम दिख रहा है। और इस तरफ जो है ये लाउंज एरिया है। अब हम सबसे पहले जो है किचन की तरफ चलते हैं। ये इसका किचन है और इस वक्त मैं स्लाइडिंग डोर है, मैं इसे ओपन करके किचन की तरफ अंदर आई हूँ। और यहाँ पे आपको जो है आपको मार्बल काउंटर मिलेगा, आपको मैट जो है यूवी शीट्स में आपको कैबिनेट्स मिलेंगी, काफ़ी गुंजाइश है इनमें। और इसके अलावा ग्लास स्लिप में भी कैबिनेट्स कुछ मिलेंगी जो कि। ये इसका किचन है और इस वक्त मैं स्लाइडिंग डोर है, मैं इसे ओपन करके किचन की तरफ अंदर आई हूँ। और यहाँ पे आपको जो है आपको मार्बल काउंटर मिलेगा, आपको मैट जो है यूवी शीट्स में आपको कैबिनेट्स मिलेंगी, काफ़ी गुंजाइश है इनमें। और इसके अलावा ग्लास स्लिप में भी कैबिनेट्स कुछ मिलेंगी जो कि सिंक के ऊपर वाले एरिया में है। और हॉरिजॉन्टल शेप जो है आपको एक स्लाइडिंग डोर की विंडो मिल रही है जो कि सिंक के बैक साइड के एरिया को कवर कर रही है। और यहाँ पे आपको डबल टब सिंक मिल रहा है पुल डाउन टैप के साथ। और इस तरफ जो है ये कैबिनेट्स हैं और ये आपको इलेक्ट्रिक हुड मिल रहा है। और इलेक्ट्रिक हुड के बिल्कुल नीचे आपको 3 बर्नर स्टॉव मिल रहा है और खूबसूरत मार्बल काउंटर आपको थ्रू आउट जो है दोनों तरफ में मिलेगा। नीचे आपको कैबिनेट्स मिल रही हैं, यहाँ पे आप अपना काफ़ी सामान जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और तकरीबन 33 बाई 33 की जो है टाइल है इस पर। और इस तरफ आपको लाउंज एरिया मिल रहा है, काफ़ी वाइड एरिया है। यहाँ पे आपको जो है एक मीडियम वॉल है और नीचे जो है आपको 4 ड्रॉर्स मिल रहे हैं ताकि आप अपना सामान जो है यहाँ एडजस्ट कर सकें। यहाँ पे आपको जो है वो 3D वॉलपेपर से जो है डिफरेंट पैटर्न्स के आपको, ये मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ, डिफरेंट पैटर्न्स के आपको ये वॉल तैयार की गई है 3D वॉलपेपर से। जो इसकी फ्लोरिंग है वो 2x4 की टाइल से तैयार की गई है और थ्रू आउट ये फ्लोरिंग आपको ड्राइंग रूम एरिया जो कि मेन सिटिंग है वहाँ पे भी आपको दिखेगी। और सेम पैटर्न जो कि लाउंज एरिया में है वही ड्राइंग रूम एरिया में इन्होंने लगाया है। ये विंडो है जो कि आपको इसके फ्रंट एलिवेशन में भी थोड़ी बहुत दिखेगी।
इस वक्त मैं इसके जो है मास्टर बेड की तरफ जा रही हूँ। जैसे मैं एंटर हुई हूँ, मेरी राइट साइड पे जो है वो मीडिया वॉल है, जहाँ पे आप अपनी एलईडी लगा सकते हैं। आपको टू ड्रॉर्स मिल रहे हैं, फुल हाइटेड आपको क्लोजेट मिल रही है वाटर पर्पस के लिए। यहाँ पे आप अपना सामान जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये विंडो जो है हॉरिजेंटल शेप विंडो जो है स्लाइडिंग डोर के साथ है। ये बैक्स जो है बैक यार्ड की तरफ जो है इस विंडो का रुख है। ये जो है इस तरफ जो है ये आप अपना बेड जो है वो सेटल कर सकते हैं। ये यहाँ पे दो हैंगिंग लाइट्स जो है ग्लोब लाइट्स आपको मिलेंगी। और ये है इसका इसकी सीलिंग। आप सीलिंग में देखें कितनी खूबसूरत जो है वो फॉल्स सीलिंग है, बहुत खूबसूरत लाइटिंग लगी हुई है। और 2x4 की टाइल्स आपको थ्रू आउट इसके जो है फ्लोर में मिलेगी। ये मास्टर बेड का जो है बाथरूम है, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिल रही है और शावर एरिया मिल रहा है। ये टेम्पर्ड ग्लास के साथ इसको सेपरेट किया गया है। यहाँ पे वर्टिकल शेप एक विंडो आपको दिखेगी जो कि यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए है। और मेरे इस जाने पर आपको कबोर्ड एरिया दिखेगा जिसे जो है वो कंसील टाइल के साथ यहाँ पे जो है डिज़ाइन इसका लगाया गया है। और हैंगिंग कबोर्ड है और मैट फ्लोरिंग है ताकि आप स्लिप होने से बच सकें। आपको बताती चलूँगी ग्राउंड फ्लोर में आपको मिल रहे हैं 2 बेडरूम्स, और ये दूसरा बेडरूम है। और यहाँ पे जो आपको विंडो दिख रही है ये हॉरिजेंटल शेप एक विंडो है जो कि साइड पे जो है वो खुलती है बिल्कुल कि पैसेज एरिया की तरफ इसका रुख है। इस तरफ जो है आपको मीडिया वॉल मिलेगी, यहाँ पे आप अपनी एलईडी लगा सकते हैं। ये इसकी सीलिंग है, डिफरेंट पैटर्न के साथ सीलिंग को तैयार किया गया है। जी मैं इसके बाथरूम की तरफ आई हूँ। आपको यहाँ पे 3D ग्लास मिलेगा, लुकिंग ग्लास। और इसके साथ साथ आपको नीचे जो है आपको ओल्ड शेप एक जो है वो बेसन मिल रहा है विद वैनिटी। और इस तरफ देखें आप तो आपको बहुत ही खूबसूरत जो है शावर एरिया मिलेगा जिसे टेम्पर्ड ग्लास के साथ तैयार किया गया है। और बहुत खूबसूरत फ्लोरिकल पैटर्न्स जो है इसकी वॉल्स पे लगाए गए हैं। और ओवरहेड शावर है यहाँ पे। और इसके साथ साथ आपको और क्या चीज़ मिल रही है, यहाँ पे आपको एम्बोस टाइल में एक वर्क मिल रहा है। और ये देखिए, आप देखिए लिफाफे शफाफे चढ़े हुए हैं इसी से अंदाजा लगा लें घर बिल्कुल न्यू है। और इस तरफ जो है इसका वार्डरोब एरिया है, ये देखिए ये क्लोजर फुल हाइटेड क्लोजर्स है ताकि आप अपना काफ़ी सामान जो है इधर एडजस्ट कर लें। और मैं आपको और बात बताती चलूँ, यहाँ इनके डोर्स बहुत अच्छे मटेरियल में इन्होंने तैयार किए हुए हैं, ये देखिए। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्टेयर्स हैं। ये विंडो जो है काफ़ी वाइड है, और ये मैं आपको बता दूंगा आपको उसके फ्रंट एलिवेशन में जो एरिया है वहाँ पे ये दिखेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये आयरन रॉड में जो रेलिंग है ये आपको थ्रू आउट जो है इसकी टॉप फ्लोर तक मिलेगी। जी अब मैं एक बेडरूम की तरफ जा रही हूँ। ये ऊपर आपको मिल रहे हैं 3 बेडरूम विद बाथरूम और एक किचन, लाउंज और मेन सिटिंग। और ये देखिए यहाँ पे आपको फुल हाइटेड क्लोजेट मिल रही है। ये इसकी बेड वॉल है जिसे ग्लोब लाइट्स के साथ जो है इन्होंने यहाँ पे इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाई हुई है। यहाँ पे भी आप अपना इस साइड पे भी बेड लगा सकते हैं। वर्टिकल शेप हाफ एंड हाफ जो है वो आपको विंडो दिख रही है। इस जाने मीडिया वॉल है, ये इसका वॉशरूम है, ये देखिए ये शावर एरिया है, ये विंडो है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। और ये खूबसूरत पैटर्न लाइनिंग वाला जो आपको थ्रू आउट जो है इसकी सारी वॉल्स में मिलेगा। और यहाँ पे ये कमोड एरिया है और ये इसका बाथरूम। जी ये है इसका लिविंग एरिया जो कि फर्स्ट फ्लोर में आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको खूबसूरत सा ग्लास वर्क दिख रहा है इन कैबिनेट्स में। और यहाँ पे आप मीडिया वॉल अपनी जो है ये मीडिया वॉल तैयार की गई है, यहाँ पे आप अपनी एलईडी लगाइए। और ये पैटर्न जिनको 3D वॉलपेपर्स के साथ डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे लगाया गया है इस एरिया की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और ये देखिए फ्लोरिंग के बारे में आपको बताती चलूँ, 2x4 की टाइल से थ्रू आउट फ्लोरिंग जो है ऊपर के फर्स्ट फ्लोर की ऑलमोस्ट तैयार की गई है। जी ओपन किचन है, आपको फर्स्ट फ्लोर में ओपन किचन मिल रहा है।
और इधर भी आपको मैट ही कैबिनेट्स दिखेंगी थ्रू आउट। यहाँ पे काफ़ी गुंजाइश है इन कैबिनेट्स में। और नीचे की जानेब भी हैं कैबिनेट्स, ड्रॉर्स हैं, काउंटर है, 3 बर्नर स्टोव है, और इसके ऊपर आपको जो है इलेक्ट्रिक हुड मिल रही है, और यहाँ पे आपको विंडो मिल रही है पुल डाउन टैब के साथ, और डबल टब सिंक जो है ऑलरेडी यहाँ पे नस्ट है इंस्टॉल किया गया हुआ है। किचन के बिल्कुल साथ एक और बेडरूम आपको मिलेगा, जिसके अंदर एंटर होते ही आपको राइट साइड पे क्लोजेट एरिया मिलेगा। ये देखिए फुल हाइटेड आपको क्लोजेट मिलेगी, बड़ी सी एक खिड़की जिसमें से रोशनी और हवा जो है इस कमरे को खूब हवादार करेगी। और यहाँ पे आपको मिल रही है मीडिया वॉल, यहाँ पे आप अपनी प्यारी सी LED लगाएं। सीलिंग इसकी जो है सेम पैटर्न की है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आप इस तरह अपना बेड सेट कर सकते हैं। फ्लोरिंग मैंने आपको बता चुकी हूँ 2x4 की टाइल से है, और यहाँ पे आप अपनी प्यारी सी LED लगाएं। सीलिंग इसकी जो है सेम पैटर्न की है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आप इस तरह अपना बेड सेट कर सकते हैं। फ्लोरिंग मैंने आपको बता चुकी हूँ 2x4 की टाइल से है। ये रहा इसका बाथरूम, बाथरूम में आपको बेसन दिखाते चलूँगी, काफ़ी खूबसूरत होल शेप बेसन जो है, अपवर्ड बेसन विद वेनिटी के साथ एडजस्ट किया गया है। शावर एरिया है ये देखिए टेम्पर्ड ग्लास के साथ, और इस तरफ आपको कमोड एरिया दिख रहा है, और खूबसूरत फ्लोरिकल जो है कंसील टाइल का वर्क आपको थ्रू आउट इस बाथरूम में मिलेगा। ये रही कमोड मैट टाइलिंग, ये देखिए ये इसका एक और जो है बेडरूम है, थर्ड बेडरूम है। ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 बेडरूम लाउंज किचन, और इसके साथ साथ जो है मेन सिटिंग ड्राइंग रूम मिल रहा है, पैसेज एरिया मिल रहा है, इसके साथ साथ लॉन्ड्री एरिया भी आपको मिल रहा है। ये क्लोजेट है इसकी फुल हाइटेड, और ये रही इसकी फ्लोर, ये इसकी सीलिंग है इस रूम की, देखिए फॉल सीलिंग है, कितनी खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड है सीलिंग। ये रहा इसका वॉशरूम, देखिए कितना खूबसूरत व्यू दे रहा है वॉशरूम, और इस पर भी बहुत ही खूबसूरत सैनिटरी इन्होंने बहुत खूबसूरत लगाई है। और आप देखें कि ये रहा इसका वॉशरूम, देखिए कितना खूबसूरत व्यू दे रहा है वॉशरूम, और इस पर भी बहुत ही खूबसूरत सैनिटरी इन्होंने बहुत खूबसूरत लगाई है। और आप देखें कि लुकिंग ग्लास भी काफ़ी वाइट है, और इसके साथ साथ ये देखिए कितनी खूबसूरत सैनिटरी का इस्तेमाल किया गया है, ऑलमोस्ट इम्पोर्टेड सैनिटरी जो है वो मुंतखब की गई है इस घर में लगाने के लिए। ये वैनिटी है, और ये रहा इसका टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ शावर एरिया जहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, और ये ओवरहेड शावर लगा हुआ है। और इस तरफ देखिए कितना खूबसूरत फ्लोरिकल आपको एक पैटर्न मिलेगा, जो कि इस एग्जैक्ट पैटर्न को जो है ब्रेक देने के लिए यहाँ पे लगाया गया है, और इसके साथ खूबसूरत मोड एरिया तैयार किया गया है। और मेरे नीचे की जानेब आपको टाइल्स मिल रही है मैट टाइलिंग, ताकि आप स्लिप होने से बच सकें। ये रहा वॉशरूम। जी व्यूवर्स, इस एरिया को मैं मिस कर गई थी, ये टेरेस एरिया है जो कि सीढ़ियां उतरते साथ ही आपको एक बड़ी सी विंडो दिखेगी। मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा दूं, ये देखिए ये आप स्लाइडिंग डोर के साथ आप इसको जो है इसको पीछे करेंगे और आप टेरेस एरिया में एंटर हो सकते हैं। ये इसका टेरेस एरिया है, और आप इसकी सीलिंग देखें, यहाँ पे बैठ के आप सुबह सुबह सर्दियों में धूप सेक सकते हैं, और शाम के टाइम यहाँ बैठ के आप अपने पार्टनर के साथ चाय पी सकते हैं और खूब मज़ा कर सकते हैं। बच्चों को यहाँ पे जो है बच्चों के साथ बैठ के गपशप भी लगा सकते हैं। और ये देखिए इसकी फ्लोरिंग में उन्होंने सिंथेटिक आर्टिफिशियल ग्रास वर्क जो है उससे भी तैयार की गई है, और ये इसका मेन जो है फ्रंट एलिवेशन जो है उसमें भी ये दिखाई देंगी, मिनी बालकनी जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। ये तारीख गार्डन में 10 मरले का ब्रांड न्यू घर है, और ये मैं आपको इसका थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा रही हूँ। ये इसका टेरेस, ये सॉरी इसका पैसेज एरिया है जो आपकी लॉन्ड्री एरिया की तरफ जाता है। जी अब मैं ज़रा ऊपर की जाने पाई हूँ, ये थर्ड इसका जो है सेकेंड फ्लोर है, टॉप फ्लोर जिसे कहते हैं, और ऊपर की जाने पर आपको एक कमरा मिलेगा जिसे आप जो है स्टडी के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं, और अपना एक्स्ट्रा सामान रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बाथरूम भी मिल रहा है, इसमें टॉयलेट इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी कंप्लीट हैं, जितनी भी वॉशरूम एक्सेसरीज हैं
वो भी सारी लगी हुई है। और ये जो आयरन डोर है इसको खोला गया है ताकि मैं आपको एक तरह थोड़ा सा जो है इसका, इस वक्त अंधेरा है, इस वक्त आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप देख सकते हैं इसके सराउंडिंग में जितने भी जो एरिया है सारा कवर्ड है, मतलब कि यहाँ सराउंडिंग में जितने भी जो एरिया है सारा कवर्ड है, मतलब कि यहाँ पे घर बन चुके हैं, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये इसकी सीलिंग है, ये रूफ है, और इस वक्त आपको ये दिखाई नहीं देगी ठीक से क्योंकि रात का टाइम है। ये सर्वेंट क्वार्टर है, जो लोग ऐसी फैमिली जो कि अपने साथ सर्वेंट्स को रखना जरूरी समझते हैं तो उनके लिए भी आसानी है इस घर में, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्वेंट जो है वो भी क्वार्टर मिल रहा है। और ये रही इसकी सीलिंग, रूफ, काफी वाइड एरिया है, यहाँ पे आप अपना छोटा मोटा फंक्शन भी या कोई भी इवेंट जो है वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये देखिए काफी अच्छी स्पेस है। और ये रहा ये एरिया, ये तारी गार्डन है, लंचिया टाउन के बिल्कुल पास, वापरा टाउन के बिल्कुल साथ लगता है। जितनी भी मेन फैसिलिटीज हैं वो भी आपको मिलेंगी। जी व्यूवर्स, आपने मेरे इस वीडियो क्लिप में इसको देखा है, पूरा टेन मिनट्स को ब्रांड न्यू घर को, और ये घर फॉर सेल है, आप